नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। शराबबंदी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी वजह से कहा जाता है कि नीतीश कुमार को पूरे विश्व में प्रशंसा मिली है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो आपको भी पता है। और ये बातें, चाहे बिहार का वो छोटा छोटा कस्बा हो, गांव हो, इलाका हो, शराब हर जगह खुलेआम मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां जब आरोप लगाती हैं तो सत्ता पक्ष या किसी जो दूसरी तरफ का पक्ष होता है उसको ये सुविधा होती है, वो कह देता है कि विरोधी पार्टियां हैं तो उनका काम है विरोध करना। लेकिन जब आपके ही लोग, आपके ही गठबंधन के लोग जो सत्ता पक्ष में हो जाए आप पर सवाल खड़ा करते हैं तो आपके लिए परेशानियां बढ़नी जो है वो तय हो जाती है, आपके ऊपर नैतिक दबाव बनना शुरू हो जाता है। मुकेश सहनी ने भी आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी तो है, लागू है, लेकिन फिर भी शराब बिक रहा है और इससे 7,000 करोड़ का जो है पैरेलली नुकसान हो रहा है कम से कम, और इसके सामने जो है ब्लैक इकोनॉमिक साम्राज्य शराब को लेकर खड़ा हो चुका है। जो क्रिमिनल्स हैं, जो शराब धंधेबाज हैं, उन्होंने हजारों करोड़ का जो है पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर लिया है और इससे बिहार सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है। मुकेश सहनी के बारे में कहें तो एक वक्त लगता है कि वो बीजेपी की तरफ से उनके कोटे से टिकट मिला है तो ठीक है, लेकिन जब जीतन राम मांझी जो बार बार नीतीश कुमार को डिफेंड करते हैं, नीतीश कुमार पर कोई अटैक करता है तो हनुमान बनकर आ जाते हैं, लेकिन जब वही जीतन राम मांझी अगर शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को घेरे तो नीतीश कुमार पर क्या बीतेगा। हम बता दें कि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वाकई में शराबबंदी है तो शराब मिल कैसे रहा है। उन्हें कहा है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, इसकी जो है इस मामले को पूरे गंभीरता से लेना चाहिए और उस जिले के एसपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हम बता दें कि जब नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था उस वक्त जीतन राम मांझी एनडी में मौजूद थे और वो शराबबंदी कानून का जो है लगातार विरोध करते रहे हैं। उनका विरोध करने का आधार यही है, अमीर लोग तो होटल्स में रेस्टोरों में शराब पीते हैं, लेकिन जो गरीब होता है, जो दिन भर मेहनत करके कमाता है लेकिन वो शराब पीने का आदी है, ऐसे लोग जो है वो जेल में बंद हो जाते हैं और फिर जमानत के नाम पर ऐसे लोगों को हजारों रुपए देने पड़ते हैं, जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो शराब पीते हैं। उनका कहना है कि अगर वाकई में आप शराब बंद करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से कर दीजिए। उसके बाद हम बता दें कि जो जहरीला शराब है ये बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है। हाल ही दिनों में कई ऐसे लोग हैं जिनकी मौत जो है वो जहरीला शराब पीने से हो रहा है, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही है और वजह सिर्फ एक है, क्योंकि अगर जहां लाइसेंस के जरिए बिकता है तो वहां जहरीला शराब मिलना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी लागू है तो जो लोकल लोग हैं वो शराब बनाते हैं और इस तरीके से पॉइजन होने की संभावना होती है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं अब जो परेशानियां है वो बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के अलावा अब जो है मुकेश सहनी ने पहले शराबबंदी को लेकर सवाल खड़ा किया और खुद अब जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।